और फतेहाबाद की रतिया में देहाती मजदूर सभा बुलाई गई। बैठक में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए लोगों में न जुर्माने का डर दिखा, न ही कोरोना का भय दिख रहा था। लॉकडाउन के नियमों में छूट मिलते ही लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें ना तो अपनी फिक्र है और ना ही अपनों की। शासन प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम तो जैसे इन लोगों के लिए मजाक बन गए हैं। नियमों की अवहेलना करना इनकी फितरत में शामिल हो गया है। नियमों की अवहेलना करने का एक ऐसा ही मामला फतेहाबाद के रतिया इलाके में देखने को मिला। रतिया के वार्ड नंबर 4 में देहाती मजदूर द्वारा एक बैठक बुलाई गई। मसला महिलाओं द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज की माफी को लेकर था। इस बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं और सभा से जुड़े पुरुष जुटे थे, मगर अधिकांश लोगों ने ना तो मुंह पर मास्क लगाए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। बड़े झुंड के रूप में लोग बैठक स्थल पर एकत्र थे। ऐसे में जरा सी चूक इलाके के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो तब तक इलाके में कोरोना पॉजिटिव मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। तो सरकार ने ही देश देते बसा चलान दे, ते सरकार ने देश देते सारे बाजार खोलन दे, सरकार तो अपने गल्लां तो टल रही है। अज जो साडी जिम्मेवारी उन्होंने बनाती सरकार ने, भी तुसी जो भी कर रहे हो भी तुसी आप नफे नुकसान दे जिम्मेवार हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਮੂਸਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹਾ। ਰਤੀਆ ਕੇ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੇ ਜਬ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਤੋ ਉਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨਕੇ ਸੰਗਿਆਨ ਮੇ ਹੀ ਅਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। देखिए, अभी ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। इस मामले का पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है और जांच के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। इनको तो किसी प्रकार का कोई तो जांच करें, जांच के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई बंद कर दी। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या करती है और ऐसी सभाओं को कैसे रोकती है जिससे कि आगे के लॉकडाउन के उल्लंघन का कोई नया मामला सामने ना आए। रमेश भट्ट, टोटल न्यूज़, फतेहाबाद।